जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से भी होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ को भाई, और इसके साथ साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्योंकि देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमने स्कीम एक डेवलप की थी, यानी हमने एक चीज़ डिसाइड की थी कि इस तरीके से हमने जो है अपने लेक्चर्स को, मतलब जो है लेक्चर्स को तैयार करना है, टॉपिक को तैयार करना है। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपने करना क्या है कि भाई आपने सबसे पहले तो एक लेक्चर लेना है, ठीक है, रिकॉर्ड सॉरी लाइव लेक्चर जो है वो सुनना है, और लाइव लेक्चर सुनने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है उसको खुद से रीड आउट करेंगे फ्रॉम बुक, ठीक है, और बुक से रीड करने के बाद उसको आप सेल्फ राइट करेंगे। सेल्फ राइट से क्या होगा कि आप लोगों की जितनी भी जो कमी कोताहियाँ रह चुकी हैं, जो अभी तक आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई डिफिकल्टी है, कोई गलतियां हो रही हैं, सो उसको आप जो है थोड़ा सा वेरीफाई करते हुए इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। सो ये चीज आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट टाइम हम जो है अंडरस्टैंड कर रहे थे सम कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आप लोगों से कहा था कि लाजमी नहीं है कि एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, यानी हम समझो कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, ठीक है, तो वो जो है क्या हो भाई कि वो जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहलाए। हमने कहा था कि हाइड्रोजन और कार्बन का होना, ठीक है, ये इस बात को गारंटी नहीं करता, इस बात को इंश्योर नहीं करता कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उस कंपाउंड को वो प्रॉपर्टीज के जो हम कहते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, किसी किस चीज की भाई कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो भी उसको शो करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। सिमिलरिटी इन बिहेवियर की हम इस वक्त बात करते हैं, केमिस्ट्री पार्ट टू। सो इसमें हम आज इस वक्त जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर जो है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। कल हमने नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट कर लिया था, आज हम सिमिलरिटी इन बिहेवियर जो है इससे ऑनवर्ड चलेंगे। सो इस वक्त जो है हम पहले तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ इस चीज़ को, पहले तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, इन बिहेवियर, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत आपने अपनी टेंथ की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें पढ़ा होगा कि हम जब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, दैट गिव सर्टेन प्रॉपर्टीज टू अ स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहां पर मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप, लेट सपोज ये मैं मिथाइल लगा देता हूं, या इस इथेन के साथ, यानी इस इथाइल ग्रुप के साथ मैं OH ग्रुप लगा देता हूं, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप आएगा तो इस तरह के कंपाउंड को हम अल्कोहल का नाम देते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो एक हम कहते हैं एटम का ग्रुप है, ये जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जब भी किसी कंपाउंड में आ जाएगा तो उस कंपाउंड को कुछ समहाउ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज साइन कर देगा, और जब भी कोई एक कंपाउंड, यानी कि कोई चार पांच कंपाउंड इस तरह का सेम फंक्शनल ग्रुप कैरी करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करेंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिमिलरिटी इन बिहेवियर, इसका मतलब होता है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, यानी कि सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैरी करने वाले कंपाउंड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे से मैच करती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इनका बिहेवियर समहाउ सेम होता है, इसको हम होमोलोगस सीरीज का भी नाम देते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें जितने भी कंपाउंड हमारे पास होंगे वो सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड जो है हम कहते हैं प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, और सिमिलरिटी बिहेवियर की बात करते हैं। सो पहले मैं राइट कर लेता हूं आप लोगों के लिए, और फिर उसके बाद मैं फर्दर आप लोगों से क्वेश्चंस के मुताबिक पूछूंगा कि आपने कुछ क्वेश्चन अगर आपने मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, द कंपाउंड्स which contain same type of functional group ठीक है जी,
will have similar properties. And form a homologous series. ठीक है जी, इसको हम होमोलोगस सीरीज का नाम देते हैं। मैंने आपसे कहा था जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल कैरिंग कंपाउंड को हम जनरली कहते हैं अल्कोहल, तो इस अल्कोहल में चाहे इथाइल अल्कोहल हो, मिथाइल अल्कोहल हो, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल हो, ठीक है, इसमें जो भी अल्कोहल आ रहा है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जेनेरिक किस्म की, जनरल किस्म की जो प्रॉपर्टीज है, ये एक हम कहते हैं सिमिलर काइंड की होती है, इसलिए वो एक होमोलोगस सीरीज की डेवलपमेंट करेंगे। इससे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जहां तक बात है तो जितने भी कंपाउंड डबल बॉन्ड कैरी करते हैं इनको अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड को हम जो है अल्काइन का नाम देते हैं। सो डबल बॉन्ड कैरी करने वाले चूंकि अल्कीन सारे के सारे अल्कीन होंगे तो उनकी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होंगे, उनको उनकी एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगी जिनको इन जनरल कह रहे हैं अल्कीन, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा, इस हवाले से अपने मुझसे कुछ पूछना हो बता दें, बहुत सिंपल सी एक बात थी, अगर जो कुछ क्लैरिफाई करना है तो जल्दी से बताएंगे, नहीं है तो क्लियर मेंशन कर देंगे ताकि मैं आगे मूव कर सकूं और मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पे ले जा सकूं जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। जल्दी से बताना आपने सर, कल का एमसीक्यू में जो भी जो अभी पढ़ा नहीं था उसका एमसीक्यू आए थे कौन से वाले, कल के एमसीक्यू भी, कल जो हमने किए थे क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर किए थे वो मैंने आप लोगों से पूछे थे रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, और वो भी प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज में से पूछे थे, बाकी सारा के सारा जो है वो पीछे वाले टॉपिक में से था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि हमने ना पढ़ा हो, ठीक है जी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को, अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, टॉपिक नेम है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी मैं बात आप लोगों को समझा रहा था, अच्छा जी। सो अब आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। हम कहते हैं भी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम इस वक्त डिस्क्राइब करने जाएंगे जी। एक दफा फिर से एक दफा समझा देता हूं आप लोगों को कि जैसे सिमिलरिटी इन बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स जिनमें के फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ठीक है। जैसे आपसे कहा था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जब भी किसी एक कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप आ जाएगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर लेट सपोज दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ चुका है तो डबल बॉन्ड कैरी करने वाले कंपाउंड्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कीन, ठीक है। सो अल्कीन चाहे वो चार कार्बन कंटेनिंग हो, चाहे वो पांच हो, चाहे वो दस कार्बन कंटेनिंग हो, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करती है, मैच करती है, तो चूंकि सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास एक सिमिलरिटी इन बिहेवियर हो गई, और जो भी कंपाउंड सिमिलरिटी इन बिहेवियर को शो करते हैं वो एक होमोलोगस सीरीज की डेवलपमेंट करते हैं। जैसे अल्कोहल की कंप्लीट सीरीज है, अल्कीन की कंप्लीट सीरीज है, अल्काइन की कंप्लीट सीरीज है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी कंप्लीट सीरीज है, उनका प्रॉपर्टी भी दूसरे से रिलेट करती है, और चूंकि प्रॉपर्टी भी दूसरे से रिलेट करती है तो हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज वो डेवलप करते हैं। अब चलेंगे टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुताबिक बात करेंगे। जी, सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने बात करनी है, इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें के बेंजीन रिंग होती है। इसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना, अभी हम आगे जाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को जब बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, यानी हम समहाउ कहते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है, बहुत लार्ज साइज के। जैसे हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन है, आप जानते भी हैं, उसमें 10,000 एटम्स मौजूद होते हैं, सो इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है,
इतने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के ज्यादा होने की बुनियाद पर उनमें अरेंजमेंट का मौजूद होना, ठीक है, और उनकी अरेंजमेंट की वजह से जो ओवरऑल शेप बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है. सो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है सर, फिनोल और इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज भी सेम होती है. नई कशप फिनोल के अंदर एक बेंजीन रिंग आ जाता है जो कि इसको डिफरेंट बना देता है. ठीक है, सो ये एक होमोलोगस सीरीज नहीं बनती. ठीक हो गया. अच्छा, सो राइट में करता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा with the help of example, और फिर हम further आगे की तरफ को move करेंगे. ठीक है, हम यहां पे कहते हैं कि the compounds, organic compounds which are large sized and having and large size with heavy molecular weight ठीक है, इनको हम सिंपली पॉलीमर भी कहते हैं. मैं आपको पॉलीमर बताऊंगा अभी. ठीक है जी, विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, विद हैवी मॉलिक्यूलर, या हाई भी आप कह सकते हैं, हैवी नहीं तो हाई लिख लेते हैं यहां पर, हाई मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है जी, जनरली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ठीक है जी. क्या करते हैं भाई, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं यही बहुत ज्यादा होते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हम समहाउ कह सकते हैं कि जैसे रैंडमनेस का होना. ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई इसमें चूंकि एटम्स इंतहा के ज्यादा हैं, ठीक है, तो गुंजल टाइप का, यानी कि ऐसा कि जिसमें हमें कुछ अंदाजा ना हो सके कि कहां कहां से बॉन्ड किस तरीके से डेवलप हुए हुए हैं. ठीक है जी, सो कॉम्प्लेक्सिटी हम समहाउ कहते हैं. ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव लार्ज साइज, ठीक है, विद हैवी या हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिनको पॉलीमर्स भी कहते हैं, पॉलीमर की टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आप लोगों के लिए. ठीक है, जनरली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल भी आपकी बुक में मेंशन की होगी स्टार्च की. ठीक है, स्टार्च की जहां तक बात है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5, नीचे लिखा होता है N. ठीक है, यह है स्टार्च का जनरल फॉर्मूला. ठीक है, जिसमें कि यहां मैंने N मेंशन किया हुआ है. यह N किस बात को रिफ्लेक्ट करता है, यह N इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो ग्रुप है ये N टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा. यानी N में भी 100, मे बी 200, मे बी 1000, मे बी 1 लाख. ठीक है, तो जितना भी हमारे पास n की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप अपने आप को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और इतने ज्यादा मिकदार के अंदर हमारे पास मौजूद होगा. पॉलीमर की जहां तक मैंने बात की थी, इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इथीन मॉलिक्यूल्स हैं ये दूसरे के साथ लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ ये करते हैं लिंक करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर ले रहा हूं 10 इथीन मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो ये 10 इथीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करेंगे, जो साइज भी बहुत बड़ा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी ज्यादा होगा. और इस तरीके से हम कहते हैं कि इसको हम राइट करते हैं इसके साथ, इन लेट्स सपोज 10 लिख लेता हूं. ठीक है, सो 10 इस तरह के यूनिट्स आपस में दूसरे से कंबाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके कंबाइन होके, ठीक है, लार्जर कंपाउंड बनाए विद हैवी मॉलिक्यूलर वेट, इनको पॉलीमर कहते हैं. ठीक है, वो कंपाउंड जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके, ठीक है, लार्जर कंपाउंड बनाए विद हैवी मॉलिक्यूलर वेट, इनको हम कहते हैं पॉलीमर्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स के ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ठीक है, अब जल्दी से आपने मुझे बताना है, यहां तक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन है आप लोगों का कोई? जी, क्वेश्चन बताएंगे आप लोग मुझे, यहां तक कोई है तो बता दें, नहीं है तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि आगे चल सकें. और उसने समझ लिया, बहुत जबरदस्त. ठीक है भाई, क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, जल्दी से जल्दी क्लियर मेंशन करना सब लोगों ने, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्लियर हो चुका है, ताकि हम आगे मूव कर सकें और कुछ नई बात हम कर सकें. जी बिल्कुल, आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको लिखें साथ में.
फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो सकती है भी, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या हम कहते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट असाइन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल प्रॉपर्टीज टू अ स्पेसिफिक कंपाउंड, इसको हम कहते हैं इट इज फंक्शनल ग्रुप, इसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। और जहां तक पॉलीमर की बात, मैंने आपसे कहा कि वो कंपाउंड कि जो हम कहते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के रिपीट करने से, मॉलिक्यूल्स है छोटा एक साइज का मॉलिक्यूल था वो अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट मतलब होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे वो कनेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड साइज बढ़ेगा, और कंपाउंड साइज बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल वेट बढ़ेगा, इस तरह के कंपाउंड्स को पॉलीमर कहते हैं, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स का जुड़ जाना, ठीक है, और उनके जुड़ने से लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स का बनना, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर्स, कहते हैं साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मैं एक और ब्लॉक लगा देता हूँ उसके साथ, मैं एक और ब्लॉक लगा देता हूँ उसके साथ, मैं एक और ब्लॉक लगा देता हूँ उसके साथ, एक और ब्लॉक लगा दिया, एक और ब्लॉक लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 6 ब्लॉक्स आपस में कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। नहीं भाई वॉइस का इशू तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी वॉइस का इशू नहीं है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, जिन लोगों को इशू है वो देखें अपने एंड पर, ठीक है। मैं आपको बताया था कि 6 ब्लॉक्स मैंने आपस में कंबाइन किए हैं, जोड़ दिए हैं, एक दूसरे के साथ लगा दिए हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये जो ब्लॉक्स आपस में लगा दिए, एक लार्ज साइज ब्लॉक बना, ये समा पॉलीमर की एग्जांपल है, छोटे छोटे यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके एक फाइनल शेप हमने तैयार की है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये पॉलीमर है। द मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर, भाई अभी आप लोगों को इश्यू आ रहा है आवाज के हवाले से, आपने मुझे बताना है भाई इशू आ रहा है कि नहीं, स्टक कर गई है वीडियो, नहीं भी वीडियो भी स्टक नहीं की है, वीडियो भी ठीक है, वॉइस जीरो। वॉइस तो बिल्कुल ठीक है हमारी एंड से, बिल्कुल ठीक है, आवाज कट रही है, कैसे कट रही है, फैन ऑफ किया होगा, जी आवाज प्रॉब्लम तो नहीं आई, हमारी एंड पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दो ठीक हो गया, वॉइस इशू नहीं था। अच्छा जी, सो मैं आप लोगों से कह रहा था जैसे ये ब्लॉक्स हैं, छोटे ब्लॉक से इनको इकट्ठा करके यकजा करके हम एक लार्जर ब्लॉक बना रहे हैं, इस तरीके से हम कहते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, इनको आपस में लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। सो इनको जोड़ने से जब लार्ज साइज का कंपाउंड बनता है वो पॉलीमर कहलाता है, ये एक पॉलीमर बनेगा स्मॉल छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके, ठीक है, और जब स्मॉल छोटे यूनिट्स को कंबाइन करते हो तो इससे हमारे पास एक लार्ज साइज कंपाउंड बनता है, इसको हम पॉलीमर का नाम देंगे, ठीक है जी, ये पॉलीमर का नाम कहलाते हैं, इसको पॉलीमर का नाम देते हैं। वॉइस इशू अभी स्टिल है, स्टिल वॉइस इशू है भी आप लोगों को सर, स्टिल ओह नो, देख लेते हैं बच्चों के साथ आवाज का फिर इशू कह रहे यार, कट रही आवाज, पता नहीं क्या, देखो कट रही है आवाज, जी अब आप बताएं कि अब आपको प्रॉब्लम आ रही है भाई, हाँ भी आवाज अब आ रही है आप लोगों को, या कोई इशू अभी है या नहीं है, जी आवाज का बताना है आप लोगों ने कि आवाज आप लोगों को आ रही नहीं आ रही कट रही है आवाज, कट रही है,
में सिर रही है। थोड़ा सा वेट कर लें, अभी हम देख लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। जी, सो आई थिंक मेरे ख्याल से अब आप लोगों की आवाज का इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका होगा और अब आप लोगों को आवाज क्लियर जो है वो सुना दे रही होगी। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को आवाज क्लियर सुना दे रही होगी। उसके बाद फिर हम आगे चलें, बड़े भी क्योंकि हमने जो आज टारगेट रखा हुआ था। अब आप बताएंगे कि आप लोगों को आवाज का इशू तो आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे क्लियर कीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को आवाज का इशू नहीं आ रहा। अब आप देख लेना जरा, थोड़ा सा माइक चेंज मैंने कर लिया है ताकि मैं आप देख सकूं कि अब आवाज का इशू है या नहीं है। हम देख सकें जी, आपने मुझे फर्दर गाइड करना है कि आवाज का इशू अब रिजॉल्व हो चुका है या अभी भी स्टिल है। ठीक है, सो आप जल्दी से मुझे गाइड करेंगे। आवाज का इशू इस वक्त स्टिल है या आप रिजॉल्व हो चुका है? अभी भी है जी, हो चुका है रिजॉल्व। ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया। सो बहुत शुक्रिया, चलें। अब आई थिंक मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका है। जस्ट बिल्कुल ठीक है, अभी रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है पॉलीमर। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो ये आपको भी अंडरस्टैंड करना है इस बात को, क्योंकि हम जो है जब तक कॉपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ तब तक ये सिस्टम कभी भी इस तरीके से नहीं चल पाएगा। सो आप लोगों ने इस हवाले से हमसे पूरा कॉपरेट करना है। ये टेक्निकल मामला होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, थोड़ा सा सब्र आप लोगों ने रखना है अपने अंदर। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आए भी तो उसको जो है इग्नोर कर देना है, सिर्फ मुझे गाइड कर देना कि सर हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो हम अपने एंड पर ओके कर दें। ठीक है, अब कुछ आवाज आई थी वो ठीक हो चुकी है। ठीक है भाई, अच्छा देखो देखो मैं आपसे कह रहा था कि अच्छा देखो मैंने आपसे कहा था कि अभी पॉलीमर की हम बात कर रहे थे, तो पॉलीमर का सिंपली मतलब क्या होता है? पॉलीमर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी स्मॉलर मॉलिक्यूल को रिपीट करते हैं, ठीक है, जब भी स्मॉलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होता है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से लार्ज साइज का हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, एक लार्ज साइज का हम कहते हैं कि कंपाउंड डेवलप होगा विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम पॉलीमर कह रहे थे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे कहा था कि छोटे छोटे मेरे पास बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस, इनको मैं आपस में लगाता जा रहा हूं, जोड़ता जा रहा हूं, एक था फिर दो लगा दिए, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं कंबाइन कर रहा हूं। सो इट इज सिंपली द फाइनल शेप, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड, जो कि लार्ज साइज का कंपाउंड है, इसको मैं पॉलीमर का नाम दूंगा। अच्छा जी सर, आपने न्यू बुक से रीड करवा रहे हैं? देखो मैं बताऊं उस्मान, उस्मान के बेसिक तौर पर मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा हूं। हीमोग्लोबिन भी इसी की एग्जांपल आ सकती है, बिल्कुल रहीम ऐसे ही है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेचर होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है उसका होता है। ठीक हो गया, सो ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म मैं आप लोगों के लिए डिफाइन करूंगा, जल्दी से मूव करना पड़ेगा हमें, क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी जो है शॉर्ट हो चुका है और प्रॉब्लम की वजह से टाइम अच्छा खासा जो है वो उसी में लग गया।
सो आइसोमेरिज्म जो है, ठीक है, उसको उसकी हम डिस्क्रिप्शन इस वक्त लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, वो हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, आप लोग जस्ट फोकस करेंगे लेक्चर के ऊपर, वो बैटरी का जो मसला है वो ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो रहने दें, वो चलेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म, बैटरी को, ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जरा ये हमें अंडरस्टैंड करना है। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि हम दोबारा से जो है हम आ चुके हैं विद तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए, इस वक्त हम आगे कैरी करेंगे। और देखो लेट्स, मतलब हम इस वक्त बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की, इसका मतलब क्या होता है, हम कहते हैं वो कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, ठीक है, वो सेम हो, लेकिन हम जब उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो हम कहते हैं कि भाई स्ट्रक्चर जो है उनके डिफरेंस ड्रॉ हो, ठीक है, इनको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, इनको हम आइसोमर्स कहते हैं, इस फॉर्मूला को आइसोमेरिज्म का नाम देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो वाकई किस्मत, बैड लक हमारे साथ हो रही है कि हमारी केमिस्ट्री क्लास पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है जी। मैं इसको पहले डिफाइन कर लेता हूं, फिर कुछ एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हम कहते हैं द फिनोमिना, द प्रोसेस, या ये भी कह सकते हैं प्रोसेस कह सकते हैं, फिनोमिना भी कह सकते हैं, ठीक है, इन विच कंपाउंड्स हैविंग having same molecular formula but when we draw structures structures, ठीक है, it form different different structural compounds, structural form is called isomerism. ठीक है, हम इसे आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है भी, हम ये बात कहते हैं कि एक ऐसा हम कहते हैं फिनोमिना, ठीक है, समहाउ कि जिसमें हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो, यानी हम कहते हैं कि एक ही जैसा हो, लेकिन हम जब उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें तो हम कहते हैं कि भाई कार्बन की लिंकेजेस जो हैं वो डिफरेंट हों, ठीक है, डिफरेंट तरह से कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ सकते हों, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स, यानी इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, और जो फॉर्म्स डिफरेंट बनती हैं इनको, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बनती हैं इनको आइसोमर्स का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल राइट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है, इसको हम कहते हैं नोबल ब्यूटेन, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। अब इनमें जो कार्बन एटम्स की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज हम इसकी चेंज अरेंजमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, CH, CH3,
CH3, ठीक है जी, इस फॉर्म में भी राइट किया जा सकता है इसको, ठीक है। देखो यहां पर भी कार्बन एटम्स चार हैं, यहां भी कार्बन एटम्स हमारे पास चार हैं, ठीक है। सो अब देखें दोनों के अंदर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, C4H10 होगा, ठीक है। दोनों का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकती है स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर, इनको आइसोमर्स कहते हैं, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। और जब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतनी डायवर्सिटी क्यों है, तो डायवर्सिटी होने की रीजन जो है, एक तो हमने कल देखा था कैटिनेशन का प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास ये आइसोमेरिज्म है कि कार्बन जो है वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट लिंकेजेस की डिफरेंट तरह से लिंकेज डेवलप करते हुए दूसरे के साथ अपनी अरेंजमेंट को वेरी कर सकता है ना कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे शेयर करें, नहीं तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम जो है कुछ नेक्स्ट बात कर सकें। टेस्ट आप लोगों का फिर मैं आज नहीं लूंगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, वो क्लियर नहीं हो सका, कंप्लीट नहीं हो सका, और जो मेरी टेस्ट आप लोगों के बनाया था उसमें संभव कुछ आगे का पार्ट भी है, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था और आपने टेस्ट दे लिया, ठीक है। नेशनल बुक नहीं पढ़ा रहे अभी तक, इस वक्त तो मैं नेशनल बुक नहीं पढ़ा रहा, लेकिन टॉपिक संभव सिमिलर काइंड के ही है, अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा ये भी, ठीक है जी। अच्छा सर, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, आर ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखो कार्बन एटम की लिंकेज डेवलप करनी, एक दूसरे के साथ लिंक करना, एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, लार्जर चेन की फॉर्मेशन करना, ये एक ऐसी एबिलिटी है उसकी कि एक यूनिक एबिलिटी है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर होंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल हानिया, बिल्कुल ठीक आपने कहा जी। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज अबाउट असाइनमेंट, ठीक है, तो असाइनमेंट अभी नहीं दूंगा, थोड़ा सा हम पढ़ लें उसके बाद फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। सर आप जो लिखवाते हैं वो हम पेपर में लिख सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है हसन, कोई इल्हामी बातें ऊपर से, मतलब कोई और इस तरह की चीज तो नहीं है कि जो आपकी बुक के अलावा की हो, वो ये चीजें होती हैं जो बुक में आपकी लिखी होती हैं, थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग में आसान लफ्जों में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जरूर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा करें। देखिए इससे नोट्स प्रिपेयर होते हैं आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है जी, जरूर आपने लिखना है। कोई मसला है तो बता दें। ब्यूटेन की जहां तक समझ नहीं है, देखो मैं आपको बता दूं कि ब्यूटेन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है जिसमें के चार कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दो तरह के इससे कार्बन एटम्स अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, या तो ये कि स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज कर लें, या ये है कि इसमें कहीं पर जाके ब्रांच आ जाए। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक ही वक्त में तीन कार्बन एटम मौजूद हैं। सो ये दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, ये गुस्से की आइसोमर्स हैं। इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। सर आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स सेम बात नहीं है, बिल्कुल सेम बात है वनीजा। अगर जो ये देखो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, इनको एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। टेस्ट नहीं लेते क्योंकि इसलिए कि भी फिर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े, सो उसके हवाले से आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं आप लोगों से आज इस वक्त टेस्ट नहीं लेने वाला, ठीक है, कल ले लूंगा आप लोगों का टेस्ट, ठीक है, और कल फिर हम जो है इससे मुतालिक बात कर लेंगे। एक और एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर ले लूंगा इससे। एक दो तीन चार पांच, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है C5H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ये, इसके अलावा हम कहते हैं कि ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। पांच कार्बन कंटेनिंग ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो सकते हैं, बिल्कुल आइसोमेरिज्म, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन इसको हम कहते हैं, ये आइसोमर है, बिल्कुल बिल्कुल आइसोमर है हानिया ये। अब आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ में भी आप रखिएगा, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज। जी